अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे 27 रैंक से लगभग 32 नंबर रैंक के ऊपर आ चुका है, एंड 0003 सेंट के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मतलब यहाँ पे 33 की सीरीज तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो वॉल्यूम तो यहाँ पे 22%, यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप लोग मार्केट की आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 3 बिलियन की मार्केट की आप था, लगभग यहाँ पे हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुका है। तो मार्केट के अंदर लगातार यहाँ पे डंप जा रहा है, बहुत सारे लोग पैनिक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर क्या कुछ न्यूज एंड अपडेट इसके ऊपर आ रहा है जिसके ऊपर बात करेंगे, क्या यहाँ से एक एंट्री लिया जा सकता है जिसके ऊपर बात करेंगे, एंड आगे आने वाला दिनों के अंदर क्या इसके अंदर एक पोटेंशियल है जिसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हमने जो है 9 सितंबर को आप लोग को ये वीडियो आप लोग को दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग अभी थोड़ा सा जाके देख सकते हैं, एंड हमने उस वीडियो के अंदर क्या कुछ बोला था। तो हम लोग इसको बोलेंगे नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या बात किया था एंड अभी के टाइम पे आप लोग को क्या कुछ देखने को मिला है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के आइकन को क्लिक करके रखिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोग को टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप लोगों को हमने ऑलरेडी अपडेट दिया था, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे 6 सेल्स की पंप जो है हो चुका है। तो यहाँ से एक डंप जो है एक्सपेक्ट है, एंड ये कोई भी मार्केट में आप लोग उठा के देख लीजिए, इतना एक्स मतलब इतना 6x तक जो कॉइन यहाँ पे पंप हो जाता है, तो उसके अंदर जो है करेक्शन आना बहुत ही जरूरी है। एंड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था कि लगभग यहाँ पे 33 से 29 28 की सीरीज तक यहाँ पे डंप हो सकता है। वीडियो है आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो 30 की सीरीज तक यहाँ पे डंप ऑलरेडी जो है यहाँ पे हो चुका है। एंड हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, 6x की पंप हुआ है, लगभग 50% की तो यहाँ पे डंप आना चाहिए। एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे रैली पकड़ता है तो एक अच्छा खासा बुल रैली जो है इसको माना जाएगा, अगर टेक्निकली टर्म के अंदर देखे। नेक्स्ट तो फ्रेंड अभी के टाइम सबसे पे आप पहले लोग यहाँ पे बात करें इनकी जो ऑन चेन बर्निंग यहाँ पे होने वाला है, तो इसको जो है लगभग यहाँ पे मर्ज हो चुका है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो आप लोग को मैं बता दूँ 12 सितंबर को इनका इम्प्लीमेंट है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है लगभग यहाँ पे 21 से 22 सितंबर जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो 8 डेज जो है अभी के टाइम पे बाकी है, 8 डेज 35 मिनट अभी बाकी है। और ये जो ब्लॉक है जैसे कंप्लीट होगा तो इनकी जो ऑन चेन बर्निंग है वो यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एरिस प्रोटोकॉल .com के ऊपर इन्होंने एक मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो डाओ की जो टीम है इनकी लुनासी की। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके अंदर जो है बर्निंग मैकेनिज्म इन्होंने ऐसा लॉन्च किया है। तो इसके अंदर अगर प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो जिसके बदले आप लोग को कुछ टोकन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मिलेगा, सैंपल टोकन। एंड यहाँ पे सैंपल लूना LUNC टोकन जो है यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर ऑटो कंपाउंडिंग होके ये जो टोकन आप लोग को मिलेगा, जिसके अंदर जो है लूना सी की जो बर्निंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा जो है हो जाएगा। मतलब आप लोग लूना सी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बर्निंग करना चाहेंगे तो आप लोग का जितना होगा बर्निंग, अगर आप लोग यहाँ पे स्टेकिंग करते तो इनकी प्रोटोकॉल के ऊपर, तो आप लोग का जो लूना सी है वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बर्न होगा। देख सकते फ्रेंड्स लूना सी डाओ जो है ये लगभग 317 मिलियन जो है लगभग इन्होंने खुद यहाँ पे बर्निंग कर चुके हैं। एंड ये प्रपोजल ये दे रहे हैं कि अगर कोई चाहता है इसको बर्निंग करना लूना सी को, तो इनकी डाओ के ऊपर जाके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इनकी प्रोटोकॉल के ऊपर। तो इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, तो आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या BSP प्रोटोकॉल जो है ये एक न्यू प्रोटोकॉल है, एंड ये पहले जो है टेरा क्लासिक के साथ में टेरा की टीम के साथ में यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो डीप एक हुआ तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है इनके साथ में काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन ये फिर से जो है इनके साथ वर्किंग करना चाहते हैं। एंड टेरा क्लासिक जब यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म इन्होंने लॉन्च किया है, तो जिसकी वजह से इनकी अगर ट्वीट को आप लोग देखेंगे तो 11 सितंबर को इन्होंने जो है टेरा क्लासिक टीम को जो है इन्होंने ट्वीट किया है, LUNC एंड USDC के अंदर जो है ये प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने वाला है। प्रपोजल अभी के टाइम पे री इनेबल
आईबीसी ट्रांसफर ऑन टेरा क्लासिक। बेसिकली बात करें जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी डेक्स है, जो इनके साथ में टेरा के साथ में पहले से काम कर रहे थे, तो बहुत धीरे धीरे जो है इनके साथ अभी के टाइम पे काम करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे प्रपोजल दिया है एंड प्रिंस रिसेंटली। तो ये बेसिकली बात करें तो इसके साथ में जितने भी प्रोटोकॉल थे वो अभी के टाइम पे प्रपोजल दिए है कि यहाँ पे इनेबल यहाँ पे हो जाए जहाँ पे ये लोग काम करें। तो देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अभी के टाइम पे टेरा के साथ में यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए ये जैसे जैसे इनके ऊपर टीम बिल्ड हो रहा है, प्लस इनकी जो टीम मैनेजमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, बर्निंग मैकेनिज्म बढ़ रहा है, सारे प्रोटोकॉल इनके साथ में धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे देखिए इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट अभी के टाइम पे हो रहा है। तो एक अगर हम लोग यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोग को बताऊं फ्रेंड्स, देखिए ये जो है पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा था, टेरा क्लासिक हो या टेरा की जो भी यहाँ पे चल रहा है वो सारा जो है यहाँ पे खत्म हो रहा था, लेकिन ये जो है धीरे धीरे इसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे किसी को हाइप लेना है तो धीरे धीरे जो है ये लोग हाइप लेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे एमएक्सी ग्लोबल के ऊपर जो है सबसे ज्यादा बर्निंग जो है यहाँ पे हो रहा था। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 10, 11, 12 जो ये तीनों है, अगर आप लोग देखेंगे 10, 10 में जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, लगभग 51 मिलियन, उसके बाद में 30 मिलियन, अभी की 12 की डेट के अंदर 12 सितंबर को यहाँ पे 19 मिलियन जो है लगभग यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा मार्केट गया। तो देखिए ऑफिशियली जो यहाँ पे बर्निंग होने वाला है तो वो अभी के टाइम पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसको भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए 12 सितंबर को जो है इनकी मेन चेन के ऊपर जो है यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म ये लोग इम्प्लीमेंट किए, एंड 21 को जाके जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड वहाँ पे जो है ऑन चेन बर्निंग भी होगा। एंड आप लोग को जैसे पता है बाइनांस के अंदर भी यहाँ पे बर्निंग अभी के टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइनांस अभी के टाइम पे स्टडी कर रहा है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे बाइनांस जो है यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पे अभी के टाइम पे ये है, बाइनांस हॉट वॉलेट के अंदर लगभग यहाँ पे 3 मिलियन टोकन जो है यहाँ पे बर्निंग किया है। मतलब ये लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं एंड बर्निंग कैसा काम कर रहा है, कैसा कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए बाइनेंस एक बड़ा जो है एक्सचेंज है एंड उसके ऊपर सारे बहुत सारा जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर हमने बात किया था। एंड बाइनेंस जो है मार्केट को पूरा मैनिपुलेट करता है, एंड ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे कर लेगा, तो इसको जो है थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे कि एक ही दिन के अंदर सारा कुछ हो जाएगा, एंड यहाँ पे बर्निंग रेट अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बर्निंग हो रहा है लूनास्टिक टोकन, तो लूनास्टिक टोकन के ऊपर आप लोग को पहले से पता होगा इनके ऊपर एयर ड्रॉप चला था, लगभग यहाँ पे 2 बिलियन टोकन यहाँ पे बर्निंग हुआ। एमएक्सी के ऊपर लगभग 846 मिलियन यहाँ पे बर्निंग हुआ। लूना डाओ के ऊपर बर्निंग हो रहा है, बाइनेंस यूजर यहाँ पे बर्निंग कर रहे, कूकाइन यूजर यहाँ पे बर्निंग कर रहे। तो देखिए बहुत सारा बर्निंग जो है अभी के टाइम पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेन बर्निंग है वो अभी के टाइम पे नहीं हो रहा है एंड वो जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो है ये देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे एक्टिव हुआ है, 21 को जो है इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड वहाँ पे जो है आप लोग को बर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। एंड जैसे हमने बताया कि यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल डैप्स जो है इसके साथ में जोड़ रहे, तो धीरे धीरे जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आप लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखिए 9.2% लगभग यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर चला गया है। तो देखिए मार्केट के अंदर क्या है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिए लॉजिक को। तो मार्केट के अंदर टेरा ने जो है अभी के टाइम पे पंप इसको क्यों करवाया, क्योंकि देखिए 20,000 से अबव यहाँ पे कॉइन है, लगभग 21,000 कॉइन है। एंड इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट होना है एंड टेरा को अगर लोगों की तक पहुँचना है तो वो एक ही रास्ता है जो इसको पंप करवा सकता है। एंड ये पंप करके जो है लोगों को यहाँ पे ये बताया कि हम लोग यहाँ पे अभी मार्केट में है। एंड अभी के टाइम पे देखेंगे टेरा क्लासिक अभी 33 की सीरीज में चल रहा है, टेरा जो है यहाँ पे पंप किया था लगभग $7 तक पंप किया था, अभी के टाइम पे $4 के आसपास चल रहा है। टेरा यूएसडी जो इनकी स्टेबल कॉइन है ये भी अभी के टाइम पे 17% डाउन में चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे फंडा को थोड़ा सा समझिए, फंडा अगर समझेंगे तो आप लोग यहाँ पे यार्निंग से यार्निंग बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले टेरा क्लासिक को पंप किया गया,
उसके बाद में टेरा को जो लूना कॉइन है इनकी पंप किया गया, एंड इनकी प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी कॉइन है उसको यहाँ पे पंप करवाया गया, क्योंकि इनके अंदर जो है धीरे धीरे पंपिंग यहाँ पे करवाया गया, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आए, एंड बड़े बड़े वैलिडेटर जो है वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे, बहुत बढ़ रही भी रहा है, एंड सारा प्रोटोकॉल जो है अभी की इनकी टाइम पे इनके साथ में जुड़ रहे, तो धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अभी आप लोग इतना डरेंगे तो आप लोग कैसे यहाँ पे काम करेंगे, एंड इसीलिए तो हमने जो है आप लोग को वीडियो दिया था, एंड वहाँ पे आप लोग को बताया था कि देखिए मार्केट के अंदर जो है पैनिक की अभी के टाइम पे सिचुएशन आएगा तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेल कर दीजिए, एंड वहाँ पे जो है 90% हमने बताया था कि आप लोग यहाँ पे सेल कर दीजिए मार्केट के अंदर। ऐसा कोई भी आप लोग को वीडियो बना के नहीं बताया होगा, जिससे फाइनेंस की ट्वीट आया कि हम लोग इसको स्टडी करेंगे उसके बाद में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैंने जो है फटाक से यहाँ पे समझ लिया, एंड वहाँ पे आप लोग को वीडियो फटाक से बना के दिया था। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं अभी क्या ही कर सकता हूँ। तो देखिए अभी के टाइम पे देखिए अभी एक बाइंग जोन यहाँ पे बन रहा है, तो देखिए मैं आप लोग को बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे एक बाइंग जो है 29 एंड दूसरा जो बाइंग है यहाँ पे 20 तक अगर आता है तो एक यहाँ पे आएगा नहीं, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आप लोग जरूर अपना पोर्टफोलियो के अंदर आर कीजिएगा, और मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोलूंगा कि यहाँ से लूना सी जो है लगभग यहाँ पे 10 ये जो प्राइस है आप लोग को 0.0067 सेंट के अंदर, तो ये गारंटी है मेरा कि ये जो है लगभग इसकी तक तो वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक जाता है तो आप लोग को 1x यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ से ऊपर भी जाएगा, लेकिन मैं छोटा सा टारगेट आप लोग को देता हूँ कि यहाँ तक तो कंपलसरी ये जाएगा ही जाएगा। से बाइनांस यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज डालेगा तो एक ही पंप यहाँ तक आ जाएगा, तो ये गारंटी है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे भी एक बाइंग करना है 29 की सीरीज में, अगर आप लोग को मिलता है 30 सीरीज तक यहाँ पे आ चुका है, 29 यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे अगर आता है और भी नीचे तो 20 की सीरीज के अंदर आप लोग जरूर इसको बाय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देगा फ्रेंड्स। मैं आप लोग को बता दूँ ये अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये इसका जो है पूरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ही टाइम है इसको कंप्लीट होने में, बाय जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने सेल नहीं किया था तो भी आप लोग अभी के टाइम पे होल्ड करके रखिए, यानी सेल बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है।